हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। आज की वीडियो में मैं आपको टाटा इन्वेस्टमेंट कंपनी का एनालिसिस बताऊंगा और ये भी बताऊंगा क्या इस कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर इस कंपनी को आपको अवॉइड करना चाहिए या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए क्या ये कंपनी सही है। तो ये पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो आप इसको एंड तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। और अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इससे जो हमारी नई वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आपको मतलब क्या कहते हैं कि हमारे कोई भी अगले शेयर का एनालिसिस होगा तो वो आप मिस नहीं कर पाओगे और आपको लगभग हर कंपनी के बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज होगी। तो अब हम एनालिसिस को चालू करते हैं। तो सबसे पहले एनालिसिस को शुरू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये देखिए कंपनी नाम में बता रही है कि कंपनी एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है जो कि इन्वेस्ट करती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर। अब इक्विटी शेयर्स तो वही हो गया, जो मार्केट में जो शेयर ट्रेड होते हैं उसको हम बोलते हैं इक्विटी शेयर्स। डेट इंस्ट्रूमेंट, अब डेट मार्केट वाले डेट इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, और इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज ऑफ कंपनीज इन अ रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज। तो ये एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है। आप एक तरीके से इसको ये भी बोल सकते हो कि थोड़ी सी ये म्यूचुअल फंड जैसी कंपनी है, मतलब एक तरीके से ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी है। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट कंपनी है, लोग मतलब क्या कहते हैं कि लोग इस कंपनी के अंदर आके अपने पैसे देते हैं, फिर कंपनी उस पैसे को डिफरेंट सेक्टर मतलब डिफरेंट एरियाज में लगाती है और उसके ऊपर लोगों को रिटर्न कमा कर देती है। लेकिन हमको ये देखना है कि क्या कंपनी के फंडामेंटल बढ़िया है, क्या कंपनी का शेयर सही रेटों पर अवेलेबल है, क्या कंपनी के अंदर फ्यूचर में कोई ग्रोथ है या नहीं। तो अब हम आगे चल के ये देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको कंपनी के डेटा को दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए, कंपनी की मार्केट कैप सिर्फ 4,990 करोड़ की कंपनी की मार्केट कैप है, जो कि दर्शा रहा है कि कंपनी का शेयर मतलब कंपनी खासी स्मॉल कैप कंपनी है और कारोबार भी कंपनी का खासा छोटा है, ऐसा यहाँ पर मार्केट कैप के थ्रू यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेकिन अब अगर मैं कंपनी के पीई रेशियो की बात करूँ तो कंपनी का पीई रेशियो निकल कर आता है 48.20। यही अगर आप इंडस्ट्री मतलब इसी फील्ड में जो कंपनियां काम करती है उनका अगर आप पी रेशियो देखोगे तो वो निकल कर आता है 37.68। तो देखिए, आप इंडस्ट्री के मुकाबले ये शेयर खासा महंगा आपको मिल रहा है। लेकिन उसके बाद अगर आप कंपनी की बुक वैल्यू देखोगे तो कंपनी की बुक वैल्यू निकल कर आती है 1592.70 रुपीज़ कंपनी की बुक वैल्यू निकल कर आती है। उसके बाद अगर मैं कंपनी का प्राइस टू बुक रेशियो देखूं तो वो निकल कर आता है 0.62। तो आप ये देखिए कि कंपनी पी रेशियो के मामले में तो खासी महंगी है, लेकिन बुक वैल्यू के मामले में आपको ये सस्ती मिल रही है। देखिए, सिर्फ 0.62 का इसका प्राइस टू बुक रेशियो है, ये देखिए आप। तो अब ये क्या दर्शा रहा है कि देखिए, कंपनी की बुक में पोजीशन खासी बढ़िया है, लेकिन अगर उसकी अर्निंग के मुकाबले शेयर की बात की जाए तो वो कंपटीटर्स के मुकाबले महंगा है। अब यही पर अगर मैं कंपनी के डिविडेंड यील्ड की बात करूं तो वो निकल कर आता है 1.82%। देखिए, ये जो डिविडेंड यील्ड होता है ये जो अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है शेयर का उसके ऊपर होता है। अब मेरे को किसी ने कमेंट में किया था, कमेंट डाला था कि जो डिविडेंड है वो फेस वैल्यू के ऊपर होता है। देखिए, ये वाला जो डिविडेंड परसेंटेज है ना, ये फेस वैल्यू के ऊपर होता है, बाकी जो डिविडेंड यील्ड होती है वो आपकी करंट मार्केट प्राइस के ऊपर होती है। तो आप इन दोनों में कंफ्यूज मत होइए, कोई बात नहीं, गलती इंसान से ही होती है। देखिए, डिविडेंड यील्ड यहाँ पर 1.82% है, तो देखा जाए तो इतने महंगे शेयर का अगर 1.82% का डिविडेंड यील्ड है तो एक तरीके से मैं उसको रीजनेबली ओके बोलूंगा।
अब यहाँ पर इसकी एक मेन बात है, वो है इसके डिलीवरेबल। ये देखिए, भले ही ये 1000 रुपये का शेयर है तो भी इसमें 39% का आपको यहाँ पर डिलीवरी देखने को मिला है। तो ये एक बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि अगर 39% की डिलीवरी अगर आपको किसी शेयर में देखने को मिल रही है तो वो एक बहुत बढ़िया बात है। क्योंकि इसका मतलब ये है कि 100 में से 39 लोगों ने इस शेयर को डिलीवरी के लिए उठाया है, और ये लोग कोई नहीं, एक जो होशियार लोग होते हैं वही इस शेयर को डिलीवरी के लिए उठाते हैं। अब आप ये देखिए, कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड, अगर आप कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड पे गौर से नज़र डालोगे तो आपको ये बहुत पुअर नज़र आएगा, और पिछले 4 साल से यहाँ पर साफ नज़र आ रहा है कि कंपनी का परफॉर्मेंस हर साल कम होता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये देखिए आप, ये जो लाइट ब्लू कलर वाली लाइन है, ये रिप्रेजेंट करती है कंपनी की टॉप लाइन, जिसको आप रेवेन्यू भी बोल सकते हो, मतलब रेवेन्यू ही होता है वो एक तरीके से। तो आप ये देखिए, पिछले 4 साल से लगातार ये गिर रहा है कंटिन्यूसली। ऑल्दो 2018 के बाद 19 में थोड़ा सा जरूर बढ़ा था, लेकिन उसके बाद फिर से ये पानी की तरह बढ़ गया है, मतलब पानी की तरह घट गया है। और इसके बाद अगर मैं एट दी एंड कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करूं, तो ये देखिए आप, कंपनी का नेट प्रॉफिट भी हर साल लगातार भयंकर मात्रा के साथ बढ़ता हुआ घटता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड ये बता रहा है कि पिछ मतलब 2017 के बाद कंपनी कंटिन्यूअसली अंडर परफॉर्म कर रही है। तो मेरे ख्याल से ये एक दिक्कत वाली बात है, क्योंकि अगर कंपनी एक साल अंडर परफॉर्म करती है समझ में आता है, लेकिन 3 साल लगातार अंडर परफॉर्म करना ये बता रहा है कि कंपनी का मार्केट शेयर कम हो रहा है। 2017 के मुकाबले उसका मार्केट शेयर खासा ही कम हुआ है। ये मैं आपको एक्चुअल फिगर्स के साथ आगे और समझाऊंगा। अब हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नज़र डाल देते हैं। अब आप कंपनी की अगर प्रमोटर होल्डिंग की अगर आप बात करोगे, तो कंपनी की यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग निकल कर आती है 73%। तो देखा जाए तो 100 में से 73% की होल्डिंग तो यहाँ पर प्रमोटर के पास पड़ी हुई है। अब प्रमोटर मतलब जो कंपनी के मेन ओनर्स होते हैं वो, और यहाँ पर म्यूचुअल फंड DII FII तीनों की नी के बराबर होल्डिंग है यहाँ पर। DII और म्यूचुअल फंड की तो यहाँ पर सिर्फ आधा आधा परसेंट की ही होल्डिंग्स है, और अगर मैं FII की बात करूँ तो उनकी भी यहाँ पर सिर्फ 2% की ही होल्डिंग है। तो अगर मैं प्रमोटर के बाद किसी होल्डर की बात करूं, तो यहाँ पर 23% की होल्डिंग रिटेल इन्वेस्टर्स के पास पड़ी हुई है। अब रिटेल इन्वेस्टर्स मतलब आपके और मेरे जैसे छोटे मोटे इन्वेस्टर्स जो ज़्यादा अमाउंट में शेयर नहीं ले सकते। तो देखिए, ना तो म्यूचुअल फंड को इसमें कोई वैल्यू नज़र आ रही है, ना DII को इसके अंदर कोई वैल्यू नज़र आ रही है, और FII को भी इतनी कोई वैल्यू इसके अंदर नज़र नहीं आ रही है। तो ये सीधा कट इंडिकेट कर रहा है कि कंपनी का मार्केट शेयर खासा कम हो रहा है और कंपनी के लिए दिक्कतें बनी हुई हैं। अब आप ये देखिए, कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न, पिछले 1 साल 3 महीने से प्रमोटर ने न तो अपने स्टेक को बेचा है और नहीं बढ़ाया है। ये देखिए आप, पिछले साल जून से लेके इस साल के सितंबर तक का डेटा 73.38% हर साल ये कॉन्टेंट रह रहा है। तो ये एक बढ़िया बात है कंपनी के नज़रिए से, क्योंकि अगर कंपनी के प्रमोटर की होल्डिंग अगर इतनी रहती है तो वो एक अच्छी मानी जाती है। इसका मतलब ये है कि कंपनी के प्रमोटर्स को अपनी कंपनी में फुल ट्रस्ट है, उनको ऐसा लग रहा है कि कंपनी आने वाले समय में बढ़िया परफॉर्म करती हुई नज़र आएगी। अब मैं आपको इसके एक्चुअल फिगर्स के साथ आपको ये समझाता हूँ। अब आप ये देखिए, इसका सेल्स देखिए आप, 2018 में कंपनी की 157 करोड़ की सेल हुई थी, फिर उसके बाद 177 करोड़, मतलब 20 करोड़ की यहाँ पर आपको बढ़ोतरी देखने को मिली थी। मतलब अगर मैं परसेंटेज वाइज की बात करूँ तो 12% का ग्रोथ यहाँ पर आपको उसमें देखने को मिला था। लेकिन अगर आप 2020 की अगर सेल्स देखोगे तो वो सिर्फ 143 करोड़ निकल कर आती है, जबकि 2019 में ये 177 करोड़ था। मतलब 20% का कंपनी के डिक्लाइन हुआ है कंपनी की सेल्स के अंदर, 20% कंपनी का धंधा कम हुआ है 2019 के मुकाबले। तो ये साफ साफ बता रहा है कि कंपनी के लिए दिक्कतें बनी हुई हैं। अब एट दी एंड अगर मैं कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करूं, तो ये देखिए आप, 142 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पिछले साल कमाया था, और इस बार वो हो गया 95 करोड़।
मतलब यहाँ पर कंपनी की सेल्स हुई है 20% कम, जबकि नेट प्रॉफिट कम हुआ है 30%। अब वो क्यों कम हुआ है, उसका रीजन भी आप देखिए। पिछले साल 21 करोड़ का कंपनी का एक्सपेंडिचर था और इस बार वो हो गया 37 करोड़। अब आप देखिए, कंपनी की सेल्स नहीं बढ़ रही है लेकिन कंपनी के एक्सपेंसेस हर साल बढ़ रहे हैं, तो ये अगर ज़्यादा बढ़ते जाएंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट और भयंकर डिक्लाइन होता हुआ आपको नज़र आएगा। अब यहाँ पर हम कंपनी के अर्निंग पर शेयर पर नज़र डाल देते हैं। देखिए, 2018 में कंपनी का मुनाफा एक अच्छा था, फिर 2019 में कंपनी का मुनाफा थोड़ा सा बढ़ा था, तो देखिए आप कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा। फिर उसके बाद कंपनी का मुनाफा मतलब घटा, लगभग 20-30% के लगभग गिरा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अर्निंग पर शेयर भी लगभग 30% यहाँ पर गिरा है। लेकिन इसमें एक चीज़ है जो पॉजिटिव है, वो है कंपनी की बुक वैल्यू। आप देखिए, 2018 में कंपनी की बुक वैल्यू थी 1507, फिर उसके बाद 59 रुपीज़ बढ़कर ये हो गई 1566, फिर उसके बाद ये फिर से हो गई 1592। तो देखिए, भले कंपनी के नेट प्रॉफिट में यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन कंपनी की बुक वैल्यू यहाँ पर हर साल बढ़ रही है। ये क्या बता रहा है कि कंपनी की जो लाइबिलिटीज़ है, मतलब जो कंपनी की उधारी है, वो खासी कम है, मतलब है ही नहीं, नी के बराबर ही है, और जो कंपनी के एसेट्स हैं वो खासे ज़्यादा हैं और बढ़िया हैं। तो ये एक बढ़िया बात है, कंपनी की बुक वैल्यू एक ऐसा फैक्टर है जो कि बोल रहा है कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना बनता है। अब अगर मैं कंपनी के डिविडेंड की बात करूं तो देखिए, कंपनी का डिविडेंड भी खासा बढ़िया है। देखिए, अगर मैं शेयर के प्राइस के बेसिस पे बात करूं तो ये आपको कम लगेगा, लेकिन अगर 18-20 रुपए एक शेयर पे डिविडेंड मिल रहा है तो मेरे ख्याल से रीजनेबली ओके वाली बात है यहाँ पे। ये देखिए, 2018 में 20 रुपए, फिर 19 में भी 20 रुपए, फिर देखिए कंपनी का 30% प्रॉफिट गिर गया, लेकिन डिविडेंड सिर्फ 10% ही गिराया कंपनी ने। तो देखिए, कंपनी डिविडेंड तो बढ़िया दे रही है, और मेरे ख्याल से जिन लोगों ने शेयर को 700-800 रुपये में खरीदा है तो उनके लिए तो और ही बढ़िया बात है, उनको लगभग 2.5-3% की डिविडेंड डील इस शेयर में मिल रही होगी। अब आप यहाँ पर कंपनी के ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज की बात करें। देखिए, 2018 में कंपनी का मुनाफा ठीक है, बढ़िया था, फिर उसके बाद कंपनी की सेल थोड़ी सी बढ़ी थी तो यहाँ पर मार्जिन परसेंटेज भी थोड़ा सा बढ़ा, फिर उसके बाद कंपनी का जो सेल थी वो 20% के लगभग गिर गई थी, तो यहाँ पर कंपनी का जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज है उसमें भी आपको यहाँ पर 20% की गिरावट देखने को मिल रही है, और ये सिलसिला आपको ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज में भी देखने को मिल रहा है। तो ये क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि कंपनी की सेल्स कम हुई है, उसी के चलते यहाँ पर जो मार्जिन परसेंटेज है वो 2019 के मुकाबले इतना कम है। और उसके बाद अगर मैं कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज की बात करूँ तो देखिए, पहले 2018 में कंपनी का मार्जिन परसेंटेज खासा अच्छा था, फिर यहाँ पर 3% की बढ़ोतरी देखने को मिली, फिर उसके बाद ये सीधा 66% हो गया, मतलब आप देखिए 14% का ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन यहाँ पर आपको देखने को मिला है। तो देखिए, कंपनी का धीरे धीरे नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज खासा कम हो रहा है, तो ये कंपनी के लिए दिक्कतें वाली बात बनी हुई है, इस पर कंपनी को गौर करना चाहिए। अगर ये आगे चल के मतलब ये मार्च 2021 में भी ये दिक्कत आती है सामने, तो कंपनी के लिए दिक्कतें बनी हुई है, कंपनी का मार्केट शेयर धीरे धीरे कम हो रहा है और आगे चल के कंपनी घाटे में भी आ सकती है अगर ये ट्रेंड 2-3 साल तक और बना रहता है तो। अब आप ये देखिए, कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज देखिए, मात्र 1-2% के लगभग है। ये देखिए, मतलब कंपनी के पास इक्विटी की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी कंपनी सिर्फ इक्विटी के ऊपर सिर्फ 1-2% का ही मुनाफा कमा रही है, तो ये बताता है कि कंपनी की क्या कहते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी की क्षमता खासी कम है, मतलब प्रॉफिट मतलब कंपनी इतने ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कर सकती, मतलब कंपनी 150 करोड़ से 200 करोड़ तक ही मुनाफा कर सकती है, वो ये रिटर्न ऑन इक्विटी आपको पिछले 3 साल का यहाँ पर शो कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि मतलब 100 रुपये की इक्विटी के ऊपर कंपनी सिर्फ 1 रुपया ही कमा रही है। इसके बाद अगर मैं ROCE की बात करूं तो ROCE भी उतना ही पुअर है, वो भी 1-2% के ही लगभग का है। तो देखिए, कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज भी यहाँ पर आपको बता रहा है कि कंपनी खासा पुअर परफॉर्म कर रही है, उसके पास कैपिटल की कोई कमी नहीं है, बस वो 100 रुपये पे सिर्फ 1-2 रुपये कमा रही है।
और बात रही रिटर्न ऑन एसेट्स की, तो रिटर्न ऑन एसेट भी 1-2 के बीच में ही है। तो ये भी आपको क्या बता रहे हैं, मतलब जो कंपनी के रिटर्न रेशियोज हैं वो आपको साफ साफ इंडिकेट कर रहे हैं कि कंपनी अपने 100 रुपये के प्रोडक्ट के ऊपर, मतलब 100 रुपये की सेल्स के ऊपर सिर्फ 1-2 रुपये का ही मुनाफा कमा रही है। तो ये कंपनी के लिए बुरी बात है, क्योंकि कंपनी का जो रिटर्न रेशियोज है वो खासा कम है और कंपनी ज़्यादा कैपिटल पे भी इतना ही मुनाफा कमाएगी, तो ये कंपनी के लिए दिक्कतें वाली बात बनी हुई है। अब आप ये देखिए कंपनी का करंट रेशियो, कंपनी का करंट रेशियो बताता है कि कंपनी की जो लिक्विडिटी पोजिशन है वो खासी बढ़िया है और एकदम टॉप क्लास है। देखिए कंपनी का जो करंट रेशियो है वो कंटिन्यूअसली गिर जरूर रहा है, लेकिन ये 1-ऊपर है। जिस कंपनी का करंट रेशियो 1-ऊपर होता है वो क्या बताता है कि कंपनी के जो करंट एसेट्स हैं वो खासे ज़्यादा हैं उसकी करंट लाइबिलिटीज से। अब करंट लाइबिलिटीज मतलब जो लोन जो कंपनी को सिर्फ 1 साल के अंदर चुकाने होते हैं। तो देखिए कंपनी का करंट रेशियो और क्विक रेशियो खासा अट्रैक्टिव है, लेकिन अगर आप इसमें परसेंटेज वाइज की बात करोगे तो इसमें भी एक भयंकर गिरावट जरूर है। और आपको पता है ये ऐसा क्यों है, क्योंकि 2018 में कंपनी ने कोई बिजनेस बेचा था तो उसी के चलते कंपनी का इतना अच्छा करंट रेशियो 2018 में है। अब आप ये देखिए 1342, फिर इसके बाद ये हो गया 981, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये लगभग यहाँ से 30% गिर गया, फिर उसके बाद ये फिर से 15% यहाँ पर ये फिर से गिर गया। तो देखिए कंपनी का करंट रेशियो हर साल गिर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये अगर और हर साल 15-20% गिरता रह गया तो कंपनी की बुक वैल्यू में भी आपको गिरावट देखने को मिलेगी और बुक वैल्यू के मुकाबले भी आपको शेयर महंगा मिलेगा। अब आप ये देखिए कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो, कंपनी में डेट बिल्कुल भी नहीं है, कंपनी डेट फ्री है, कंपनी का पूरा पैसा जो है वो इक्विटी के ऊपर चल रहा है। मतलब क्या कहते हैं कि जो प्रमोटर का पैसा है, जो रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा है इक्विटी के ऊपर, जो मतलब जो कंपनी के मेन शेयर होल्डर्स हैं उससे ही कंपनी का मेन कारोबार चल रहा है, कंपनी ने अलग से बिल्कुल भी लोन नहीं ले रखा है। तो ये एक बहुत बढ़िया फैक्टर है मेरे ख्याल से, इसके मुकाबले ये एक बढ़िया फैक्टर है कि इसमें एक इन्वेस्टमेंट करना बन सकता है। लेकिन इसकी एक मेन दिक्कत वाली बात यही है कि कंपनी का धंधा फ्लॉप होता जा रहा है, धीरे धीरे कंपनी का कारोबार भी कम होता जा रहा है, मार्केट शेयर में भी आपको लगातार रिडक्शन देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से ये भले ही डेट फ्री है लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के लिए रिस्की भी यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है। अब अगर मैं कंपनी के इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करूं तो देखिए कंपनी डेट फ्री है तो अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब कंपनी डेट फ्री होती है तो उस समय इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मैटर नहीं करता है। अब आप ये देखिए टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसका शेयर चल रहा है अभी 1002 रुपये पे, और इसकी अगर आप बुक वैल्यू देखोगे तो वो लगभग 1600 रुपये के लगभग की कंपनी की बुक वैल्यू है, लेकिन इसका शेयर 1002 रुपये पे चल रहा है और इसका जो ऑल टाइम हाई है वो 1024 है। मतलब आपको ऑल टाइम हाई से मतलब लगभग जस्ट पास में ही मिल रहा है कि 1% डिस्काउंट पे आपको ये शेयर मिल रहा है। देखिए कंपनी की बुक वैल्यू खासी बढ़िया है, 1600 रुपये की कंपनी की बुक वैल्यू है, तो उसके मुकाबले बुक वैल्यू के मुकाबले आपको ये शेयर 60% डिस्काउंट पे मिल रहा है। लेकिन अगर कंपनी का धंधा मतलब धीरे धीरे 3 साल तक अगर कंपनी का धंधा फिर से कंपनी की सेल्स कम होती रहती है और कंपनी का नेट प्रॉफिट कम होता रहता है तो कंपनी के लिए दिक्कतें बन सकती है और उसके बाद कंपनी की बुक वैल्यू में भी आपको गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि कंपनी को अपने एसेट्स को सेल करना पड़ सकता है अपने कारोबार को चलाने के लिए। तो इसलिए मेरे ख्याल से आपको इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, भले ही कंपनी की बुक वैल्यू 1600 रुपये क्यों भी नहीं हो, मतलब भले ही कंपनी की जो बुक वैल्यू है वो 1600 रुपये है लेकिन कंपनी के धंधे में इतना इनपुट नज़र नहीं आ रहा है, कंपनी का कारोबार कम होता जा रहा है और ये एक दिक्कतें वाली बात यहाँ पर आपको बनी हुई नज़र आ रही है। तो देखिए शेयर भाग भी बहुत गया, पिछले 5 साल से आपको इस शेयर ने 77% के रिटर्न दे दिए, मतलब अगर आपने 1,00,000 रुपये डाले हैं तो आपके वो 1,77,000 हो गए, तो ये शेयर पहले से 5 साल में इतने रिटर्न दे चुका है। तो देखिए मेरे ख्याल से थोड़ा कंपनी का मार्केट शेयर कम हो रहा है, कंपनी के अंदर थोड़ा रिस्क मतलब रिस्क ज़्यादा लग रहा है, अगर ये आने वाले समय में एक बढ़िया परफॉर्म करता है, बढ़िया बिजनेस ये करता है तो मेरे ख्याल से इसमें आपका इन्वेस्टमेंट करना बनता है।
तो मैं होप करता हूँ कि आपको टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन का एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको किसी और शेयर का एनालिसिस भी चाहिए हो, जिसकी मतलब अगर आप वीडियो चाहते हो, एनालिसिस चाहते हो, तो उसके रिगार्डिंग भी आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसके लिए भी वीडियो लेकर आ जाऊँगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और ऐसी वीडियो ला सकूं। ओके, थैंक यू।